यस, आप लोगों ने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। अगर इस वीडियो का पूरा देखते हो तो आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर होने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, भैया मेरी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है, कैसे मैं अगले 20 से 25 दिन के अंदर 40-50 नंबर तक स्कोर कर लूँ, और कहीं ना कहीं मेरा टारगेट है मैं 120 प्लस तक स्कोर कर लूँ ऑल थ्री सब्जेक्ट्स के अंदर। वहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो मुझे देख रहे हैं कि मुझे भैया 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहा हूं, तो मुझे लास्ट 20 डेज में क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए, बहुत सारे डाउट होंगे, फटाफट से क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार मैंने स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज जिनको टारगेट करना है 40 से 50 नंबर लाने हैं, हमारा बहुत कम सिलेबस कंप्लीट है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो जिन्हें करके जाएं और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और क्या हमें रिसोर्स फॉलो करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, या फिर लेक्चर्स देखने चाहिए, वन शॉट देखने चाहिए। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो है। सेकंड वो है यार जिनका 99 प्लस परसेंटाइल टारगेट है, एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, और मेरे अकॉर्डिंग 99 परसेंटाइल कहीं ना कहीं यार इस साल 170 से 180 के बीच में आपका 99 प्लस परसेंटाइल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं 40 टू 50 मार्क्स वाले जो टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको 10 चैप्टर बताने वाला हूं, आपको इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट इज यूनिट एंड डायमेंशन, उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड इज ईएम वेव्स, एक क्वेश्चन आता है। ये शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है, ये पिछले 2-3 साल के पेपर एनालिसिस करके मैंने ये टेबल बनाई हुई है। थर्ड इज सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फोर्थ इज थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, से दो क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके पास टाइम है थोड़ा टाइम देके वन शॉट वीडियोस के थ्रू आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हो। फिफ्थ इज मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स से दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, किसी भी पॉइंट पे हम फिजिक्स के अंदर मॉडर्न फिजिक्स स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट चैप्टर आता है प्रोजेक्टाइल मोशन, उससे भी एक क्वेश्चन आता है। सेवेंथ इज फ्लूइड्स, फ्लूइड से यार पिछले 2-3 साल से, मतलब 2019-2018 उससे पहले तो मुश्किल से एक क्वेश्चन आता था, बट 2020-21 और 22 के अंदर कम से कम दो क्वेश्चन आ रहे हैं फ्लूइड से। एट चैप्टर इज ग्रेविटेशन, उससे भी एक क्वेश्चन आ रहा है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, फटाफट वन शॉट से आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद नाइन चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप हो सकता है टाइम लगा के थोड़े फुल लेक्चर देखो, अगर आपका चैप्टर वीक है तो आपको थोड़ा फुल लेक्चर देखना पड़ेगा, बट कम टाइम है तो आप फटाफट से वन शॉट के थ्रू निपटाओ यार, और देन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे शिफ्ट हो जाओ। लास्ट जो चैप्टर मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है कैपेसिटेंस, जिससे एक क्वेश्चन आता है। इन टोटल जितने भी मैंने आपको 10 चैप्टर्स बताए हैं, इनसे कहीं ना कहीं आपके 13-14 क्वेश्चन आ जाएंगे, और आपको 40-50 नंबर लाने के लिए 10-12 क्वेश्चन आपको सही अटेम्प्ट करने होंगे। अगर आप इन चैप्टर्स को कर लेते हो तो डेफिनेटली आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। हो सकता है यार काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि भैया जो आपने लिस्ट में चैप्टर्स दिए, कुछ चैप्टर्स मैंने डिफरेंट किया, हो सकता है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लिया हो, है ना, वेव ऑप्टिक्स कर लिया हो, ऑप्टिक्स कर लिया हो, तो यार आप उसे इंक्लूड कर सकते हो, बट ये चैप्टर्स आपको जरूर करके जाने ही जाने। सो गाइज, मैं आपको बीच में सिर्फ एक मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगा। अभी आपको पता है जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट आने वाला है, और इस टाइम पे मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट प्रॉब्लम आती है कि भैया फ्री मॉक टेस्ट कहां से दे, कौन सी टेस्ट सीरीज को फॉलो करें। तो यार मैं लेकर आया हूं करियर किक की तरफ से एकदम फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 600 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पार्ट टेस्ट मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्लस आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, एकदम 100% फ्री रहने वाली है। उसी के साथ में आपको डिफरेंट डिफरेंट रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे अगर आप इस टेस्ट सीरीज के अंदर अच्छा करते हो। सर फटाफट से ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबसे पहले साइन अप करो, फिर अपना आईआईटी जेईई या मेडिकल सेक्शन को चूज करो। आईआईटी जेईई सेक्शन के अंदर आपको जेईई मेन एडवांस सेक्शन पे जाना है, देन मॉक टेस्ट आपको बहुत सारे मिलेंगे, देन आप सभी मॉक टेस्ट को अनलॉक कर सकते हो। तो आपको एक कोड दिख जाएगा स्क्रीन पे, उसे यूज करके आप अपनी टेस्ट सीरीज को अनलॉक कर सकते हैं और जितने चाहे उतने मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो फटाफट से करियर किक का ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाओ और डाउनलोड करो। अब हम रिसोर्सेज की बात कर ले, रिसोर्सेज के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो काफी कम टाइम है, तो आपको लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाने, चैप्टर वाइज सॉल्व करके जाओ लास्ट 5 ईयर्स के, उसके बाद आपको रेगुलर रिवीजन करते रहना है। अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे, हम पढ़ते जा रहे हैं चीजों को भूल जाएंगे, फिर कोई पॉइंट नहीं रहेगा, आपकी जितनी भी मेहनत है मतलब उस पर पानी फट जाएगा लिटरली। तो आपको रिवीजन करते रहना है। और मॉक टेस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं आप 2-3 फुल मॉक टेस्ट जरूर देके जाना, हाँ, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि पेपर कैसा आने वाला है,
और आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। देखो टाइमिंग की आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस ये है कि जितने क्वेश्चन करो आप अच्छे से कर पाओ, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम जिन बच्चों का 99+ परसेंटाइल टारगेट है। देखो उन जो बच्चे 99+ परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका 80-90% सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और काफी अच्छे से पढ़ाई किया, मतलब 1-2 साल तब भी आप इस लेवल पे हो। बस अब उनका ये मोटिव है कि इस टाइम पे क्या चीजें प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या PYQs को ही फिर से सॉल्व करने चाहिए या फिर क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए और कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, बेसिकली उनका यही डाउट होगा। तो हम मूव करते हैं। सबसे पहले यार इस टाइम पे आपने जितने भी नोट्स बनाए हैं, आपने ऑनलाइन लेक्चर्स देखे हो, वन शॉट्स देखे हो, फुल लेक्चर्स देखे हो या आपका कोई भी कोचिंग मटेरियल हो, उसे अच्छे से रिवाइज करो इस टाइम पे अगले 20 दिन के लिए, रिवीजन करो। और सेकंड माइंड मैपिंग क्रिएट करो कि लाइक माइंड मैपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी आप पढ़ते जा रहे हो आपके माइंड में आना चाहिए, एक मेमोरी बन जानी चाहिए, एक माइंड मैपिंग हो जानी चाहिए। सेकंड आपको PYQs अच्छे से सॉल्व करने, अगर आपने ऑलरेडी PYQs कर लिया है तो आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सर्कल मार्क के होंगे, स्टार मार्क के होंगे, जो आपसे फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो उन क्वेश्चंस को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करो। और मॉक टेस्ट की बात करें तो यार कम से कम आपको 8-10 मॉक टेस्ट देकर जाने हैं, क्योंकि आपका रियल इंप्रूवमेंट मॉक टेस्ट के थ्रू ही होना है। आप लोगों के पता है अगर आपके इस टाइम पे फिजिक्स के अंदर 50-60 नंबर आ रहे हैं और आपको 80+ तक लेकर जाना है, तो सिंपली मॉक टेस्ट दो। चैप्टर वाइज मतलब सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हो कि पहले आपने फिजिक्स का दिया, फिर केमिस्ट्री का दिया, फिर मैथ्स का दिया, फिजिक्स का मॉक टेस्ट दो 1 घंटे का, फिर उसमें क्या गलतियां हो रही हैं, कौन से आपके वीक टॉपिक्स हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करो और उन पे इंप्रूवमेंट करो। देखो मॉक टेस्ट देकर एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो आपके जो आज मॉक टेस्ट के अंदर 50-60 नंबर आ रहे हैं वो इंप्रूव नहीं होंगे अगले 10 या 20 दिन जितने भी आप मॉक टेस्ट दे लो। बट आप 2-3 मॉक टेस्ट देके उसे अच्छे से एनालिसिस करते हो और अपने वीक चैप्टर्स को, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करके उन पे वर्क करते हो, तो डेफिनेटली आपका स्कोर काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। जैसे यार मैं अपना ही बताता हूँ, मेरे लास्ट 1 मंथ में जब मैंने फर्स्ट फुल मॉक टेस्ट दिया था तब मेरे 120 नंबर आए थे आउट ऑफ 300, तब तक मैंने 80-85% तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कहीं ना कहीं यार मेरा 160-170+ मार्क्स आ जाएंगे, बट फर्स्ट मॉक टेस्ट में 120 आए। बट रेगुलर मॉक टेस्ट देता गया, रिवीजन करता गया और जैसे जैसे मॉक टेस्ट को एनालिसिस करके अपने वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग किया, तो एट दी एंड मैंने 180 या 200+ तक स्कोर इंप्रूव कर लिया था लास्ट 1 मंथ में। तो आप लोग भी कर सकते हो। और यार इस टाइम पे ना डिमोटिवेट नहीं होना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचेंगे कि यार ये बहुत जल्दी एग्जाम हो गया, काफी कम टाइम है, भैया इतने कम टाइम में कैसे करें। सिर्फ आपके लिए कम टाइम नहीं है और सभी बच्चों के लिए भी ये कम टाइम है, तो आप लोगों को इस टाइम पे अपने आप को मोटिवेट रखना है, अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। और यार मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल मेरे अकॉर्डिंग इस साल थोड़ा कम रहने वाला है आपका, अगर 120 मार्क्स की बात करें तो कहीं ना कहीं आपका 93-94% तक बन सकता है डेफिनेटली, यस, और 95% तक बन सकता है, और 99% की बात करें तो 170-180 तक आपका बन जाएगा। तो टेंशन मत लो, जितना आपके पास टाइम है उसे अच्छे से यूटिलाइज करो, हर एक स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय।